हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट में इंसर्ट मेन्यू कैसे यूज करते। हमने इंसर्ट मेन्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में भी यूज किया था, यहाँ भी सेम ऑप्शंस है, ऑलमोस्ट ऑल सेम ऑप्शंस है। तो फिर से हम सीखेंगे यहाँ भी कैसे डालना है। तो ओके, वर्ड नहीं, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट को जो पिछले वीडियो में हमने किया था उसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करता हूँ मैं। तो इस वीडियो में हम इंसर्ट मेन्यू का यूज करेंगे इस पावर पॉइंट स्लाइड शो में। तो इंसर्ट मेन्यू में जाता हूं, तो अगर मैं यहां एक पिक्चर डालना चाहूं तो इंसर्ट यहां पिक्चर क्लिक करता हूं, जैसे हमने वर्ड में किया था सेम है यहां भी सब कुछ। तो ये सेलेक्ट करके मैं इंसर्ट सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं एक पिक्चर आया। तो इसे मैं अरेंज कर सकता हूँ, छोटा बना सकता हूँ ऐसे ड्रैग करके। तो ये पॉइंट है, इसे पकड़कर आपको छोटा बना, हमने पहले देखा है फिर से मैं बता रहा हूँ बस। तो ऐसे आप कोई भी स्टाइल डाल सकते हैं। ऐसे कोई भी स्टाइल डालना चाहिए आप डाल सकते हैं, कुछ भी एडिटिंग पिक्चर टूल्स यूज करना है सब यूज कर, जो कुछ भी हमने वर्ड में किया वही सेम ऑप्शन से यहां भी। अगर यहां जाकर क्लिप आर्ट डालना है तो आप क्लिप आर्ट भी डाल सकते हैं ऐसा। तो ये क्लिप आर्ट डालूंगा मैं यहाँ, तो इसे बड़ा बनाऊंगा थोड़ा ऐसे। क्लिप आर्ट भी डाल सकते हैं हम, और इसको भी एडिट कर सकते हैं जैसे हमने पिक्चर टूल्स में देखा वैसे आप एडिट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे शेप्स डालना चाहे बताता हूँ कैसे डालना। स्मार्ट आर्ट डालना चाहेंगे वो भी आप कोई भी सेलेक्ट करके डाल सकते है, या पिरामिड सेलेक्ट करके डालना चाहेंगे वो भी आप सेलेक्ट कर सकते है। देखिए ऐसे डाल सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पिरामिड्स है, अब कोई भी पिरामिड डाल सकते हैं, इसे छोटा बना सकते हैं ऐसा। कंट्रोल जेड, तो ऐसे आप कोई भी ऑटो शेप डालना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं। कट करता हूं मैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो इसके बाद इंसर्ट मेन्यू में जाकर आप चार्ट डालना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं, हमने वर्ड में देखा है बहुत सेम है ऑप्शंस, कुछ चेंज नहीं। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ हेडर एंड फुटर डालेंगे। अभी इसके पहले हम एक हाइपरलिंक डालेंगे, हाइपरलिंक डालने के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। तो यहाँ जाकर मैं कुछ लिखूंगा ऐसे MAC, तो इसको हाइपरलिंक बना सकता हूँ। सिलेक्ट कर लो और क्लिक करो हाइपरलिंक, तो यहाँ मैं हाइपरलिंक देख सकता हूँ। देखिए एक वेबसाइट के लिए हाइपरलिंक दे सकता हूँ, एक फोल्डर को भी कर सकते हैं, एक फाइल को भी हाइपरलिंक कर सकते हैं जैसे हमने वर्ड में देखा था हाइपरलिंक। या मैं सिर्फ वेबसाइट के लिए डाल के दिखा रहा हूँ, तो वर्ड के वीडियो में देखिए वहां हाइपरलिंक हमने फोल्डर और फाइल को भी क्रिएट किया। तो अभी इसके ऊपर जाने पर लिंक वर्क नहीं होगा, जब भी आप स्लाइड शो देखेंगे। अभी देखिये यहाँ स्लाइड शो में जाऊंगा मैं और बोलूंगा फ्रॉम करेंट स्लाइड, करंट स्लाइड कहा तो करंट स्लाइड से आएगा। तो यहाँ जाने पर पता चलेगा आपको कि हाथ का सिंबल आ रहा है, तो क्लिक करने पे वेबसाइट ओपन होगा। अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है यहाँ, तो वो हमें बोल रहा है कि कैन नॉट लोकेट इंटरनेट सर्वर। तो ऐसे आप हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो इंसर्ट मेन्यू में हाइपरलिंक ये होता है। एक्शन में लास्ट में बताता हूँ, तो टेक्स्ट बॉक्स डालना चाहेंगे आप कोई टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं ऐसा। कोई टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर लो और यहाँ लिखते जाओ, ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स है तो एक नया चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जाइए, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए आप कोई टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके उसमें कुछ लिख सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स देखिए ऐसा आएगा, अगर आपको नहीं चाहिए सेलेक्ट कर लो, डिलीट प्रेस कर दो तो डिलीट हो जाएगा। ऐसे हम कोई टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं। और हेडर एंड फुटर है, तो यहाँ हेडर एंड फुटर सेलेक्ट करेंगे, हर एक स्लाइड के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड आएगा। तो लेकिन जो कुछ भी आप डालेंगे वो सब कुछ यहाँ स्लाइड पर आएगा। देखिए डेट एंड टाइम डालना चाहेंगे आप डाल सकते हैं, अपडेट ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। अगर आपने अपडेट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया तो वो जब भी आप स्लाइड शो ओपन करेंगे उसका उस टाइम दिखाएगा, जब आप ओपन करेंगे तब का करंट टाइम दिखाएगा ऐसे कर सकते। या फिक्स टाइम भी कर सकते हैं, फिक्स टाइम भी डाल सकते हैं, अपडेट ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। स्लाइड नंबर भी डाल सकते हैं, यहाँ स्लाइड नंबर आएगा नीचे, और फुटर में कुछ लिख सकते हैं ऐसे।
डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड बोल सकते हैं कि पहले स्लाइड में नहीं दिखेगा ये सब कुछ, बाकी के स्लाइड में दिखेगा। अगर सेलेक्ट किया तो नहीं दिखेगा, सेलेक्ट नहीं किया तो पहला स्लाइड में भी दिखेगा। अप्लाई टू ऑल क्लिक करने से आप देख सकते हैं ऐसे आएगा, हर एक स्लाइड में ऐसा फुटर रहेगा, देखिए सेम ऑप्शन रहेगा हर एक स्लाइड में। ऐसे हम हेडर एंड फुटर भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम वर्ड आर्ट डालना चाहेंगे तो वर्ड आर्ट डाल सकते हैं, यहाँ बहुत वर्ड आर्ट ऑप्शन है। देखिए यहाँ जाकर मैं वर्ड आर्ट सेलेक्ट कर, देखिए ऐसा आपने देखा होगा वर्ड आर्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में डिफरेंट था, यहाँ कुछ डिफरेंट है। तो ये सिलेक्ट करके आप यहाँ डालेंगे तो यहाँ ये वर्ड आर्ट को यहाँ ले आता हूं मैं, तो सब कुछ अक्षर डिलीट करके आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे मैं लिख सकता हूं और इसका वर्ड आर्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकता हूं। देखिए ऐसे जाकर मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूं। ऐसे कर सकता, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा, ये वर्ड आर्ट अच्छा नहीं लगा, आपको जो वर्ड में था वही चाहिए, तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कीजिए। तो यहां जाकर इंसर्ट मेन्यू में वर्ड आर्ट डालेंगे हम, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको यूज कीजिए। इस सेलेक्ट करके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं आप जाकर, मैंने पहले बताया, तो इसको डालना चाहेंगे आप वही डाल सकते हैं। देखिए बड़ा बना देंगे थोड़ा, कॉपी पेस्ट, तो आप देख सकते हैं वहां से आप यहाँ कॉपी करके ले आ सकते हैं सेम वर्ड आर्ट को, वहां जो वर्ड आर्ट था वो वर्ड आर्ट यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं है, यूजुअली यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जो दिया है वो वर्ड आर्ट डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट है और वो डिफरेंट है। ऐसे आप वहां से कॉपी करके यहाँ ला सकते हैं। अभी डिलीट प्रेस करता हूँ मैं, ऐसे आप वर्ड आर्ट डाल सकते हैं। डेट एंड टाइम हम ऑलरेडी डाल दिया है हेडर एंड फुटर में, अगर आप हेडर एंड फुटर में नहीं डाला तो डायरेक्टली डाल सकते हैं। स्लाइड नंबर भी आप डायरेक्टली डाल सकते हैं अगर हेडर एंड फुटर नहीं डाला है तो। इसके बाद अगर आप कोई सिंबल डालना चाहेंगे सिंबल डाल सकते हैं, जो अगर मैथमेटिक्स के बारे में कुछ स्लाइड शो प्रेजेंटेशन देना चाहे कोई नया थियरी के बारे में या साइंस के थियरी के बारे में, तो सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी स्लाइड शो में फॉर्मूलास लिखने के लिए, तो उसके लिए आप सिंबल्स यूज कर सकते हैं यहाँ। इसके बाद मैं एक और स्लाइड ले आता हूँ, जाऊंगा न्यू स्लाइड ऑफ, ये स्टाइल लूंगा मैं। तो ये स्टाइल में अगर आप मूवी क्लिप, यहाँ देखिए यहाँ से भी जा सकते हैं या इंसर्ट में जाकर यहाँ मूवी क्लिप है तो वो क्लिप भी डाल सकते हैं। मूवी फ्रॉम फाइल सेलेक्ट करेंगे आप, तो अगर मैंने कोई फाइल सेलेक्ट कर लिया ओके किया तो आप देख सकते हैं यहाँ वो वीडियो आ रहा है, तो वो पूछ रहा है कि इसे कैसे प्ले करना है, जब भी स्लाइड शो चल रहा है ऑटोमेटिकली प्ले करना है ये स्लाइड आने पे या क्लिक करने पे, तो मैं क्लिक करने पे बोलता हूँ तो ऐसा एक स्लाइड शो क्रिएट होगा। जब भी हम देखिए यहाँ जाकर मैं स्लाइड शो में गया, फ्रॉम करेंट स्लाइड, तो मैं काम करेंगे डायरेक्टली उस स्लाइड पर जाएंगे। यहाँ वो स्लाइड्स नहीं है क्योंकि हमने कुछ कस्टम स्लाइड शो नहीं किया है। यहाँ एक 1 2 3 4 5 स्लाइड्स है हमारा, नहीं ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइड्स है, लेकिन वो स्लाइड शो में बहुत कम दिखा रहा। ये आपको बाद में पता चलेगा, दूसरे वीडियो में हम दिया हुआ है सब कुछ, तो अभी यफ। तो यहाँ जाऊंगा मैं, देखिए यहाँ लास्ट स्लाइड में गए, इसके बाद जो है वो वीडियो का स्लाइड होगा। देखिए ये वीडियो स्लाइड है, जब क्लिक करेंगे ये वीडियो प्ले होगा देखिए, लेकिन आपको इस वीडियो में नहीं दिख रहा है क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ उसमें नहीं दिखेगा। अगर आप अपने कंप्यूटर में करेंगे तो डेफिनेटली दिखेगा। तो ये वीडियो सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर सकता हूँ, देखिए ऐसे डिलीट कर सकता हूँ। अगर आप कोई सॉन्ग्स इंसर्ट करना कर चाहेंगे वो भी, सॉन्ग्स का साउंड या कोई इंसर्ट करना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं आप, देखिए। बहुत कोई सॉन्ग्स ऑटोमेटिकली करना चाहिए तो ऑटोमेटिकली प्ले होगा, तो हम F5 क्लिक करेंगे।
और मैं इस बार उसी स्लाइड को डायरेक्टली जाता हूँ, गो टू द स्लाइड कॉन्टेक्ट अस, तो इसके बाद क्लिक करूंगा तो वो गाना ऑटोमेटिकली प्ले करता है, और शायद आपको सुनाई दे रहा है या नहीं रही, तो वो गाना प्ले कर रहा है, तो मैं एस्केप क्लिक करता हूँ तो चला जाता है, नॉर्मल व्यू में आ जाता है। ऐसे हम कोई गाने भी डाल सकते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो ये सब ऑप्शन है हमारे इंसर्ट मेन्यू में। एक और जो है एक्शन बताता हूँ मैं अभी, तो अगर मैं एक्शन डालने से पहले यहाँ जाकर कुछ स्मार्ट कुछ शेप्स डालता हूँ मैं, यहाँ जाकर कुछ एरो मार्क लेता हूँ मैं, अब कोई भी ले सकते हैं, मैं सिंपल सा कुछ एक एरो मार्क लूंगा, इसको कोई कलर डाल दूंगा ताकि वो विजिबल हो ठीक से। अब यहां से इंसर्ट में जाएंगे, आप ये सिलेक्ट करेंगे, एक्शंस डालेंगे, मैं बोलूंगा माउस क्लिक होने पर वो नेक्स्ट स्लाइड को जानी चाहिए, यहां जाकर माउस क्लिक किया तो नेक्स्ट स्लाइड में आनी चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और एक प्ले साउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी साउंड प्ले करेगा। उसके बाद हाईलाइट कर, जब भी आप क्लिक करेंगे हाईलाइट होनी चाहिए, ये माउस क्लिक के लिए कर रहे हैं आप, तो ऐसे क्लिक करके ओके किया आप, और इसके ऊपर मैं एडिट टेक्स्ट करता हूं अभी, तो ऐसे नेक्स्ट कर सकता हूँ। अभी F5 दबाया हमने कीबोर्ड में, तो आप देख सकते हैं यहाँ अभी एनिमेशन शुरू नहीं हुआ है, हमारा टाइटल भी नहीं है। आप नेक्स्ट स्लाइड में जाना चाहते हैं, देखिए यहाँ जाने पर क्लिक करने से नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा, वो हाईलाइट भी हो रहा है जब क्लिक करेंगे। ऐसे हम कुछ बना सकते हैं, प्रीवियस में जाएंगे तो आप देखिए यहाँ ऑलरेडी रेडी है, यहाँ से डायरेक्टली आप जा सकते हैं। अगर आप यहाँ क्लिक किया तो नेक्स्ट एनिमेशन आता है, लेकिन यहाँ क्लिक करने पर डायरेक्टली नेक्स्ट स्लाइड पर जाता है, तो ऐसे हम बहुत एनिमेशन डाल सकते हैं। जैसे कॉपी करता हूं मैं, पेस्ट पेस्ट, तो हर एक स्लाइड में जाकर पेस्ट कर रहा हूं मैं, यहां सेलेक्ट करके पेस्ट, तो आपको इस जगह सेलेक्ट करना है और पेस्ट करना है। ऐसे आप पेस्ट कर सकते हैं, जब भी आप स्लाइड शो में जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ हाइपरलिंक सब कुछ कॉपी हुआ है, तो ऐसे आप हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो मैं एक और ऑटो शेप डालता हूँ यहाँ जाकर, एक और ऑटो शेप प्रीवियस स्लाइड जाने के लिए डालता हूँ मैं, तो इसका कलर भी हम चेंज करेंगे, तो इसका एक्शन सेटिंग हम डालेंगे यहां से जाकर, इस बार माउस क्लिक नहीं माउस ओवर बोलूंगा, यानी माउस उसके ऊपर जाए तो स्लाइड चेंज होनी चाहिए, हाइपर लिंक टू प्रीवियस स्लाइड सेलेक्ट करूंगा, देखिए प्रीवियस स्लाइड सेलेक्ट करूंगा, ऐसे कर सकते हैं, प्ले साउंड हाईलाइट ऑन माउस क्लिक माउस ओवर, ऐसे क्लिक करके ओके करूंगा। इसके बाद इसे कॉपी करता जाऊंगा मैं, कॉपी करके हर एक स्लाइड में पेस्ट करता जाऊंगा, लास्ट स्लाइड में नेक्स्ट डालने की जरूरत नहीं क्योंकि नेक्स्ट कोई स्लाइड नहीं है, तो ये निकाल देता हूं, तो ऐसे हम डाल सकते हैं। और लास्ट स्लाइड में मैं एक और डालूंगा जाकर, या जाकर एक और शेप डालूंगा, सिंपल सा, ऐसा एक स्लाइड बना दिया, ऑटो शेप बनाया मैं, इसको एक्शन सेटिंग में फर्स्ट स्लाइड के लिए कर दूंगा,
फर्स्ट लैंड जाने के लिए माउस क्लिक पर सेलेक्ट करेंगे, प्ले साउंड की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाइपर लिंक करेंगे। ओके तो अभी देख स्लाइड शो में जाएंगे हम। आप देख सकते हैं यहाँ क्लिक करने पर नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा डायरेक्टली, बिना स्लाइड टाइटल के भी ये डायरेक्टली यूज होता है अगर आप डायरेक्टली क्लिक करना चाहेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो वन बाय वन आपका स्लाइड शो दिखेगा, अगर यहाँ क्लिक किया नेक्स्ट स्लाइड चला जाएगा। देखिए यहाँ क्लिक करने पर आ रहा है सब कुछ। अगर देखिए मैं यहाँ जाकर क्लिक करना पड़ता है, लेकिन प्रीवियस के ऊपर जाकर क्लिक करने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर जाएंगे तो प्रीवियस स्लाइड में जाएगा। देखिए मैंने क्लिक नहीं किया तो प्रीवियस स्लाइड पर जा रहा है। अभी यहाँ जाके नेक्स्ट क्लिक करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड गया, नेक्स्ट स्लाइड गया तो इसके ऊपर जा रहा, प्रीवियस के ऊपर। आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने क्लिक भी नहीं किया तो वो प्रीवियस स्लाइड पर जाए। ऐसे आप माउस ओवर या माउस क्लिक यूज कर सकते हैं। अगर आपने जाकर यहाँ जाकर करेंट स्लाइड तो लास्ट स्लाइड में जाएंगे हम, तो यहाँ होम के ऊपर गया मैं, क्लिक किया तो आप देख सकते हैं पहला स्लाइड आएगा। देखिए ऐसे पैसा है, पहला स्लाइड आएगा तो आप पहला स्लाइड के लिए, लास्ट स्लाइड के लिए, नेक्स्ट स्लाइड के लिए सब कुछ लिंक कर सकते हैं एक्शन में जाकर। तो दोस्तों हमने इंसर्ट मेन्यू में बहुत कुछ सीखा है इस वीडियो में, तो बाकी बचा है वो है टेबल। तो टेबल भी सिंपल है, आप टेबल डालना चाहेंगे कहीं भी जाकर टेबल डाल सकते हैं। अभी देखिए आ जाकर यहाँ से क्लिक कर सकते टेबल के लिए, क्लिक करेंगे टेबल आ जाएगा। इसे फॉर्मेट करना चाहेंगे फॉर्मेट कर सकते हैं आप रोज एक और टेबल इंसर्ट करना चाहेंगे, आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टेबल्स क्लिक कीजिए, कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, तो इसे भी इंसर्ट करके इसे भी फॉर्मेट बनाना चाहेंगे फॉर्मेट बना सकते हैं। तो ये भी सिंपल है। तो एक बचा हुआ जो है वो है फोटो एल्बम। तो एक छोटा सा फोटो एल्बम से बना सकते हैं, मैं बताता हूँ ये नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।